उज्जैन, भारत सरकार के शिक्षा कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के भूमि पूजन और विक्रम विश्वविद्यालय के डिजिलॉकर के लोकार्पण किया। नई शिक्षा नए आयाम पुस्तक का विमोचन किया। भारत सरकार के शिक्षा कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। यहां पर कुशाभाव ठाकरे के नाम के शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में ऑडिटोरियम और छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर का उद्घाटन किया। इससे बच्चे अब अपना रिकॉर्ड कहीं से भी खोल सकते हैं। 16 विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया है। देश भर में लगभग 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वेद विद्यापीठ प्रतिष्ठान में सहायता देती है, पढ़ाती है, आर्थिक मदद करती है। इसके साथ साथ अभी निर्णय किया गया देश की इस अनुष्ठान के अलावा और 5 स्थान पे इसी प्रकार की वेद विद्यापीठ का स्थापना किया जाएगा। इसी की अगुवाई में 4 धाम में किया जाएगा, पूर्वोत्तर में किया जाएगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी ही सामने आएगी। एक दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो और वो समाज से कैसे जुड़े, इस पर उन्होंने 2-3 बातें मुख्य रूप से करी। एक तो पाठ्यक्रमों के बारे में, पाठ्यक्रमों में स्वायत्तता हो विश्वविद्यालयों की और वो ऐसे पाठ्यक्रम हों जो समाज के लिए जन कल्याणकारी हों। हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका क्या हो सकती है विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की। इस जो एक दिवसीय संगोष्ठी है इसमें क्रियान्वयन में होने वाली चुनौतियों के बारे में विशेष रूप से सारे कुलपति गण और जो अभिभावक गण हैं और समाज से जुड़े हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसकी चुनौतियों के बारे में किस तरीके से उसे निपटा जाए इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। ऑडिटोरियम में क्या है? माननीय मंत्री जी ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर, जिससे कि विद्यार्थियों को कभी भी विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा, जैसे कोई विदेश में है उसे अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। विक्रम विश्वविद्यालय का डिजी लॉकर का उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा, 20 करोड़ से की लागत से बनने वाला एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो ऑडिटोरियम है वो एक सौगात होगी उज्जैन के लिए। वैसा ऑडिटोरियम अभी उपलब्ध नहीं है, वो माधव साइंस कॉलेज का, उसका भी शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने किया। यह हम सब खासतौर से शिक्षा से जुड़े जगत के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।